बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाने का फैसला किया है। उन्होंने पटना में बुधवार को कहा कि वहां उनकी जरूरत नहीं है। पटना में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद नीतीश कुमार ने जब पत्रकारों से झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार, खासकर भाजपा के बागी नेता सरयू राय के पक्ष में प्रचार करने के लिए जाने के संबंध में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा हमारी आवश्यकता वहां नहीं है। उल्लेखनीय है कि बिहार में भाजपा के साथ सरकार में शामिल जदयू ने झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मंगलवार को जदयू के सांसद और वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने रांची में कहा था, सरयू राय भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले से लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनका वर्तमान कदम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। चूंकि नीतीश कुमार की भी सोच भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की है, इसलिए पार्टी ने चुनाव में उनका समर्थन करने का निर्णय लिया है। बता दें आपको, उन्होंने स्पष्ट कहा है यदि सरयू राय प्रचार में आने का आग्रह करेंगे तो नीतीश सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके समर्थन में जमशेदपुर जाएंगे। इसके लिए पार्टी भी उनसे आग्रह करेंगे। झारखंड के स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभाओं के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में मतदान होना है। मतगणना 23 दिसंबर को होगी। प्रथम चरण में 13 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। LD News Room से लकी की रिपोर्ट।